दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में किस तरह से लापरवाही बरती जाती है ये किसी से छुपा नहीं है। ताज़ा मामला जो है वो है दिल्ली के हरिनगर का दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल का, जहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड है जिसका नाम जसप्रीत कौर बताया जा रहा है, उन्होंने एक पेशेंट के साथ जो लोग आए थे उनके साथ किस तरह बर्बरता बरती है। वो परिवार हमारे साथ मौजूद है और हाथ में शिकायत लेके खड़े हुए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर यहाँ से PCR कॉल भी की गई थी, लेकिन बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज हमारे साथ मौजूद है मैम, क्या हुआ था अंदर और क्या कुछ था पूरे? सर मेरा नाम मीना सिंह है और मैं यहाँ पर अपनी सास को लेकर एडमिट हूँ। परसों की ये बात, 10 दिन हो गया मेरी सास को यहाँ पे रहते हुए। परसों अल्ट्रासाउंड करने के लिए मैम ने बोला था कि अल्ट्रासाउंड करवा के हम नीचे आए 25 नंबर में अल्ट्रासाउंड में। वहाँ पे जो वहाँ पे गार्ड हैं जसमीत कौर, उन इतनी बदतमीजी से हमने जब अपना फाइल दिया है कि अपना ये लो ये अल्ट्रासाउंड करना है, तो वो कह रही कि नहीं हमें, कहाँ से तू आ गई, हमने हमारे पास तो कोई मैसेज नहीं आया कि तेरे मतलब अल्ट्रासाउंड करना। हमने बोला मैम एक काम करो आप डॉक्टर से बात कर लो, हमें तो कुछ ऐसा मालूम नहीं है, हमें भेजा गया तभी हम आए अल्ट्रासाउंड करवाने। तो कह रही चल कोई बात नहीं, वेट कर, हम इंतजार भी किए कि चलो कोई बात नहीं 10 बजे डॉक्टर आती है। जब डॉक्टर आ गई हैं उन्होंने फाइल लिया है तो कह रही कि पहले इसको उतार अपनी सास को और व्हील चेयर पर बिठा। वही हम मना किए कि ये इतनी सीरियस है कि ये व्हील चेयर पर नहीं बैठ सकते, अगर व्हील चेयर पर बैठती तो हम ऊपर से ही व्हील चेयर पर लेके आते, हम इस चेयर पर नहीं लेके आते। तो जो उसके अंदर की जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वाली, उन्होंने बोला कोई बात नहीं इनको अंदर आने दो हम ऐसे ही कर देंगे। तो वो चेयर अंदर लेके गए और अल्ट्रासाउंड हो गया। अल्ट्रासाउंड होने के बाद जैसे ही हम बाहर आए हैं, जब बाहर आए हैं जब रिपोर्ट उन्होंने दिया है तभी भी सब कुछ सही हो गया था। रिपोर्ट देते ही ऐसे पकड़ के ऐसे कह रही है ले पकड़ अपना रिपोर्ट। और हमारे वार्ड से एक लड़का था 16-17 साल का, उसका भी अल्ट्रासाउंड होना था, तो कह रही कि ये देख ये भी तो तेरे सास के वार्ड से आए, क्या ये सीरियस पेशेंट नहीं है, ये कैसे व्हील चेयर पर आ गया है। बस मुझे ये चीज़ है कि ज़रूरी तो नहीं है ना कि सारे पेशेंट सेम सिचुएशन में हो। और मेरी सास का 65+ एज भी है और वेट भी बहुत ज़्यादा है, तो वो सीरियस भी बहुत है, तो हम उनको नहीं बैठा सकते थे। इतने पर वो बदतमीजी से बात करने लग गई कि तुम लोग के ड्रामे बहुत होते। कोई आपका जो हाथ है वो गेट में दब गया था, क्या ये क्या था? गेट ऐसे हाथ में दबा था कि मेरे हस्बैंड वीडियो बनाने लग गए थे कि ये ऐसे बदतमीजी से बात करने लग गए। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ऐसी हुई, उसने मेरे से बदतमीजी करने लगी है कि तुम लोग कैसे ड्रामे होते हैं ये है। तो मैं बोली कि मैम थोड़ा आराम से बात कर लो, अगर मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूँ और मेरी सास ICU से आई है, ऐसा तो है नहीं कि वार्ड का है और हमें वो करना है। तो कह रही कि चल तुम्हारे जैसे 36 आते 36 जाते। फिर मेरे हस्बैंड ने वीडियो बनाने लगे हैं कि ये देखो ऐसे ऐसे इन लोग ऐसे कर रहे हैं। उसी पर मेरे हस्बैंड से हाथ अपाई खुद की है, वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। मेरे हस्बैंड से खुद हाथापाई करने लगी जब मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे थे, मना करने लगे कि नहीं वीडियो, फ़ोन छीनने लगे। जब मैं फ़ोन बचाने के चक्कर में, क्योंकि अगर फ़ोन गिरता तो ज़्यादा ही वो होता, मैं फ़ोन बचाने के, मेरा हाथ देखिए उसने कि हाँ हाथ यहाँ पे, इतना तेज मारी मेरे मतलब दरवाजे पे और सब यहाँ से चिल्ला रहे उसका हाथ दबाओ, उसको मालूम है मेरा हाथ दबाओ, लेकिन उसने अंदर से कुछ नहीं किया। जब सारे लोग मिल के मेरी ननद मेरे हस्बैंड और भी बहुत सारे लोग थे, जब वो पुश किए तब जाके दरवाज़ा खुला, जो कि मेरे हाथ का मांस फट गया है। तो सर मुझे ये नहीं समझ में आता कि हॉस्पिटल में हम अपने मरीज़ को ठीक करवाने आते हैं, ये डॉक्टर से ऊपर तो इनके गार्ड हैं, इतनी बदतमीजी से तो इन लोग ऐसे बात करते हैं। सर जो आपके साथ ये हुआ, क्या आपने अस्पताल प्रशासन या पुलिस प्रशासन को इससे बात की? हाँ जी सर, मैंने पुलिस, हाँ मैं 100 नंबर पर भी कॉल की थी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं, बल्कि मैंने कॉल किया मेरी ना सुनवाई होकर जसमीत कौर की सुनवाई हो गई, मेरे से पहले उनकी सब कुछ बन गई है। और अब वो मेरे को ये धमकी दे रही कि मैं तेरे हस्बैंड को फंसाऊंगी, जो कि मेरे हस्बैंड का वहाँ पे कैमरा लगा। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड ने आपको कुछ भी किया है तो आप वहाँ पे कैमरा चेक करो, मुझे बस वहाँ पे कैमरा चेक करना है। कल को मेरे हस्बैंड को वो कहीं फंसा दे, सब यहाँ पे धमकी दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, तुम लोग गुंडे बुलाते हो, ये करवाते हो, अगर हम बुलाते तो वो दिखाओ ना CCTV कैमरा किस लिए लगा रखे हो आप, उसको नौकरी से ही हटवाना है सर। क्योंकि आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ करेंगे, परसों, क्योंकि इन लोग की तो बदतमीजी दिन पे दिन। और मुझे ये भी बोलिए कि 30 साल से मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, आज की नहीं हूँ, तो 30 साल हो या 30 दिन हो उससे हमें मैटर नहीं, आप कम से कम इंसान को इंसान तो समझो। तो आपने देखा कि जो जसप्रीत नाम की जो महिला सिक्योरिटी गार्ड है किस तरह से बर्बरता करते हैं, और हाथ में देखिए जो उनके चोट लगी हुई है, यही जो गुंडागर्दी आप जिस तरह से देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड की, गेट में हाथ फंस गया था और उन्होंने जोर से बंद कर दिया जिसकी वजह से इनको चोट लगी। और साथ साथ जब इस मामले को लेकर के बात आगे बढ़ती है तो इनके पति को फंसाने की धमकी भी दी जाती है। आप कौन हैं इनके? मैं इनकी ननद हूँ। क्या हुआ था सर? यही सब हुआ था, और उसके बाद जब हाथ दब गया पूरा, उन्होंने दांत, हम लोग धक्का मार के खोलने की कोशिश करे, इनके जितने गार्ड थे सारे गार्ड और जो वो सुपरवाइज़र किशन कुमार, वो आ गए, आके वो धमकी देने लगे कि तुम ही लोग बदतमीज़ हो, तुम ही लोग बदतमीज़, उल्टा आप लोगों को ही, बिल्कुल। हमने बोला भी, वहाँ ब्लीडिंग हो रही थी इनकी, हमने बोला कि सर हमारी गलती नहीं है, हम बार बार मांग कर रहे हैं फुटेज दिखाई, क्यों नहीं फुटेज दिखाई जा रही है? पुलिस तक हम गए, थाना हुआ, चौकी हुआ,
कोई जवाब, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, फुटेज क्यों नहीं दिखाई जा रही, हमें यह फुटेज दिखाई जाए। और उन्होंने पीछे से बाउंसर्स भी बुला लिए, आप फुटेज में देख सकते हैं पीछे बाउंसर्स हैं, पूरे गार्ड्स ने हमें घेर लिया। देखिए सर, ICU का पेशेंट है, मदर है, हमें भी डर है, बोलते हैं वहाँ पर हमें धमकी ये दी जा रही थी कि अब हम देखते हैं कि तेरा पेशेंट हमारे ही हाथ में है, कि इन लोगों की सबसे डॉक्टरों से भी जान पड़े। हमें, हमारे मन में यही डर है कि सर अगर कोई गलत सुई दवाई इंजेक्शन लग गया और हमारी मदर के साथ कुछ हादसा हो गया तो हम क्या करेंगे। यही, इसी डर की वजह से हम आज तक यहाँ पहुँचे। और हमें यह है कि सबसे पहले ऐसे लोगों को नौकरी से हटाया जाए। नौकरी से दिन पहले की ये घटना है, दो दिन पहले की है सर। नहीं, तो आपने सुना कि दो दिन पहले की जो घटना है, किस तरह से जो सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा इन परिजनों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो पेशेंट है वो ICU में भर्ती है, और कहीं ना कहीं इनको अब डर लगता है कि अगर ये उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनको, उनके साथ कुछ गलत घटना ना कर दे। तो ऐसे में इस मामले को लेकर जो अस्पताल प्रशासन है वो भी अभी बेखबर है, उसको भी इस बात की जानकारी नहीं, लेकिन नीचे के लेवल पर ही इस मामले को दबाने की कोशिशें की जा रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार जिस तरह से अस्पताल प्रशासन और जो सिक्योरिटी गार्ड प्रशासन की तरफ से लगातार पेशेंटों को और आने जाने वाले लोगों को लगातार परेशान किया जाता है, आखिरकार इसको कैसे निपटाया जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदीप सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।